बना ही नहीं सकते। मैं तो फिल्में नए लोगों के साथ बनाता हूँ। अगर वो हिट वाले चक्कर में बनाता तो मैं स्टार्स का वेट करता रहता ना। मैं तो फिल्में उनके साथ बनाता हूँ जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो चांस लेते हैं, जो मुझे ट्रस्ट करते हैं और जो मेरे साथ जो है हाथ पकड़ के चलते हैं। मैं उनके साथ फिल्में बनाता हूँ। मेरी किसी फिल्म में आप देखोगे तो आपको वो लगातार वही दिखेगा। आई थिंक तापसी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी गुड एक्टर एंड शी टेक्स अ चांसेस एंड शी गोज आउट एंड शी ऑल्सो पुशेज अदर पीपल। चलना ना चलना तो किसी की फिल्म नहीं चल रही, और जिसकी चलनी है उसकी चल रही है, तो वो तो हमारे हाथ में भी नहीं है। आजकल तो कुछ भी नहीं चल रहा है, लॉकडाउन में तो सब रुका था। जी सर, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट। अनुराग, ये सवाल आपसे है, मैं यहाँ हूँ। बजट आपके लिए कभी कंस्ट्रेंट रहा है या इस फिल्म में खासतौर पर रहा है? हमेशा फिल्म मैं ऐसे ही सोच के बनाता हूँ, बैकवर्ड्स काम करता हूँ। मैं हर फिल्म में बजट के अंदर रहता हूँ। बजट मैं नहीं डिसाइड करता हूँ, प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। और जो हमारे जो प्रोड्यूसर है वो फिल्म पे स्क्रिप्ट पे बैठते हैं और बजट डिसाइड करते हैं। आई ऑलवेज वर्क बैकवर्ड सो दैट नोबडी लूजेस मनी। एक एक्सपीरियंस काफ़ी था, उस फिल्म में मैंने इतना लॉस ले लिया कि अगले 10 फिल्मों के लिए हो चुका है। बिल्कुल आखिरी सवाल ये कि आपने तापसी के अलावा जो कास्ट चुनी है, कुछ उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, और खास करके नासर के कास्टिंग के बारे में, क्योंकि साउथ के बहुत बड़े विलन हैं। बिकॉज वो फिल्म के लिए बहुत करेक्ट है एंड हम लोग बहुत बड़े फैन रह चुके हैं। वो सेट पे जिस दिन आए थे तो हम लोग तो पागल हो गए थे देख के। पहली बार उनके साथ काम करने का मौका मिला। शाश्वता हैं इस फिल्म में, जो कहानी में थे उनके भी फैन रहा हूँ मैं, तो उनके साथ भी पहली बार काम करने का मौका मिला। उसके अलावा जो है पावेल गुलाटी है, पावेल है और राहुल भट्ट है। बाकी लोग जो हैं पहचानोगे उनको देखोगे तो, पर दीज आर आवर मेन कैरेक्टर्स एंड एक लड़का है आर्यन सावंत। सो ये हमारे की कैरेक्टर्स हैं फिल्म के, और सभी माहिर मंझे हुए कलाकार हैं। शुक्रिया। हाय हाय, थैंक यू सो मच।